गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. प्रीवियसली वी हैव डेमोंस्ट्रेटेड दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. टुडे वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट अ पिन होल कैमरा. हाउ टू कंस्ट्रक्ट द पिन होल कैमरा? फॉर दिस वी रिक्वायर अ बॉक्स मेड ऑफ कार्डबोर्ड, वुड और मेटल. आपको एक बॉक्स चाहिए होगा, चाहे वो कार्डबोर्ड का हो या वुड का हो या फिर वो किसी मेटल का हो सकता है. इन फ्रंट फेस मेक अ टाइनी पिन होल दैट इज ओ. आप फ्रंट फेस में क्या करेंगे, एक टाइनी पिन होल बनाएंगे जिसे हम ओ मार्क कर देंगे. नेक्स्ट, द बैक फेस एस इज मेड ऑफ ग्राउंड ग्लास विच सर्व एज स्क्रीन ऑन विच द पिक्चर इज फॉर्म्ड एंड सीन. फॉर दिस पॉइंट रेफर द डायग्राम. दिस इज द पिन होल कैमरा. दिस इज द फ्रंट फेस. वी हैव होल हेयर दैट इज मार्क्ड ओ. एट द बैक साइड बैक फेस दैट इज एस वी आर हैविंग द स्क्रीन. मतलब यहाँ पे कोई भी आपकी पिक्चर या फिर कोई भी इमेज आपकी फॉर्म होने वाली है. नेक्स्ट पॉइंट, द बॉक्स इज ब्लैकेंड फ्रॉम इनसाइड सो दैट इट एब्जॉर्ब्स एनी लाइट विच फॉल्स ऑन इट. फ्रॉम इनसाइड वी शुड पेंट इट ब्लैक. मीन्स आपको अंदर क्या करना है, ब्लैक रखना है सारा एरिया ताकि कोई भी लाइट आपकी उसके अंदर अगर फॉल हो रही है तो वो एब्जॉर्ब हो जाए. Is that clear? So this is the structure of the pinhole camera. This is the box, wooden box or metal box or cardboard box. This is the candle AB and the reflection is there B dash A dash. Now we will understand the working of pinhole camera. For this we require a candle. When a lighted candle is placed in front of the hole, ये जो होल है इसके सामने कोई भी आप कैंडल रखोगे, लाइटेड कैंडल, द कैंडल की जो पोजीशन है वो इस तरीके से ए बी है, ठीक है. द इमेज ऑफ द कैंडल इज क्लियरली सीन ऑन द स्क्रीन. अब इस कैंडल की जो फ्लेम की जो इमेज है, आपको ये जो स्क्रीन है इस पे आपको आसानी से उसकी इमेज आपको दिख जाएगी. ये इमेज आपका जो स्क्रीन है वो एस है. दिस इमेज इज इन्वर्टेड और अपसाइड डाउन. ये जो इमेज आपकी बनी है कैंडल की, ये आपकी इन्वर्टेड है, मीन्स उल्टी है, या इसे कह सकते हैं अपसाइड डाउन. ए डैश बी डैश इज द इमेज ऑफ द कैंडल ए बी. दिस इज द कैंडल ए बी एंड द इमेज फॉर्म्ड इज ए डैश बी डैश. मीन्स इमेज इज इन्वर्टेड. सो बाय द फॉर्मेशन ऑफ इन्वर्टेड इमेज वी कैन से दैट लाइट ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन. ये जो आपकी इमेज का फॉर्मेशन हुआ है, इसको देखकर हम कह सकते हैं कि लाइट जो होती है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है. वी हैव डिस्कस्ड ऑल द पॉइंट्स हियर. That next point is if the hole is wide the image will get blurred. अगर आप अपने उसको जो बोर्ड है आपका जो कार्डबोर्ड है जो बॉक्स है उसका होल अगर थोड़ा सा भी बड़ा करते हैं तो आपकी जो इमेज आपकी ब्लर्ड हो जाएगी. तो आपको क्या करना है, प्रॉपर इमेज के लिए आपको होल छोटा रखना है, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, इन ऑर्डर टू टेक एन एक्चुअल फोटोग्राफ टेक द कैमरा इन द डार्क रूम एंड कवर इट विद द ब्लैक क्लोथ. रिप्लेस द ग्राउंड ग्लास विद द फोटोग्राफिक फिल्म. अगर आपको कोई भी एक्चुअल फोटोग्राफ लेनी है, आपको एक कैमरा लेना पड़ेगा, उसे डार्क रूम में लेके जाइए, उसको आप कवर कर लोगे ऑल साइड से ब्लैक क्लोथ से. रिप्लेस द ग्राउंड ग्लास विद द फोटोग्राफिक फिल्म. आपकी जो स्क्रीन थी, जो ग्राउंड ग्लास था, उसको रिप्लेस कर दोगे आप फोटोग्राफिक फिल्म से. देन ब्रिंग द ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स द होल. अब आप क्या करोगे, जिसकी आपको इमेज लेनी है उस ऑब्जेक्ट को आप उस होल के पास लेकर जाओगे. When light enters through the pinhole and strikes the film gets exposed and you can now develop a film in the studio. Means, जब भी light enter करेगी pinhole camera में, वो आपकी film पे जाके strike करेगी. Means, आपका जो photographic film आपने replace किया था ग्राउंड ग्लास की जगह पर, तो वहां पे ये आपकी लाइट जो है स्ट्राइक होगी. फिल्म क्या करेगी, एक्सपोज हो जाएगी. इस तरीके से आप फिल्म को डेवलप कर सकते हैं स्टूडियो के अंदर. थैंक यू स्टूडेंट्स. टुमारो वी विल बैक विद द नेक्स्ट टॉपिक. ओके, थैंक यू.